हेलो दोस्तों, आज हम एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन है इस तरह से। ये जेंट्स स्वेटर के लिए डिज़ाइन है। इसे आप जेंट्स स्वेटर में डालिए, बहुत प्यारी लुक आती है इसकी। या फिर आप इसे लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। जैसे कार्डिगन का हम बॉर्डर बनाते हैं और साइड पट्टी बनाते हैं, उसमें डालिए। ये उसमें भी डल के बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आपको 4 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए और एक साइड में जो हम हमेशा रखते हैं सिलाई के लिए। तो आप जैसे अगर बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर बना लीजिए सीधे उल्टे का, या जैसे भी बॉर्डर बनाना है बना लीजिए। उसके बाद डिज़ाइन शुरू करेंगे। डिज़ाइन शुरू करने के लिए आपको पहला स्टिच जो है वो स्किप करना है। ये मेरा पहला स्टिच है, इसे मैं उतार लूँगी, इसे मैं नहीं बनाऊँगी। तो पहली सिलाई है हमारी, दो सीधे बनाएंगे, एक दो, दो सीधे बना लिए। अब 4 उल्टे बनाऊंगी, एक दो तीन चार, 4 उल्टे बना लिए, 4 सीधे बनाऊंगी, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ करूंगी, 4 उल्टे बनाऊंगी, एक दो तीन चार, 4 उल्टे और 4 सीधे की ही ये हमारी सारी रो है। सारी सिलाई में आपने 4 सीधे और 4 उल्टे डालने हैं। इसी तरह करते हुए आपने जितने भी स्टिचेस रखे हों 4 के मल्टीपल में रखिएगा, और प्लस जो दो साइड के होंगे हमारे, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में, वो ज़रूर रखिएगा जिससे हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो। दो तीन चार, 4 उल्टे डालिए। अब लास्ट में ये दो सीधे डालेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में दो सीधे डाले थे। और ये एक मेरा लास्ट का साइड का स्टिच है जो मेरा सिलाई में जाएगा, इसे मैं ऐसे ही बना लूँगी। रॉन्ग साइड आ गए हैं। रॉन्ग साइड में जो जैसा होगा उसे वैसा ही बनाइएगा, सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा बना लीजिए। रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है, जो जैसा था उसे वैसा ही बना दिया है, सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा। स्टार्ट करेंगे दोबारा से सीधी तरफ से। पहला स्टिच स्किप कर देंगे, बनाना नहीं है, दो सीधे। अगेन फर्स्ट रो ही हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड रो को हम थर्ड और फोर्थ रो में भी वही बनाएंगे, सेम 4 सीधे और 4 उल्टे का। हमें इसे दोबारा से रिपीट करना है, दो बार रिपीट करना है इसको। तो पहले फर्स्ट और सेकंड रो हमारी थी सीधा उल्टे, 4 सीधे 4 उल्टे की। उसी तरह से तीसरी और चौथी रो भी हमारी 4 सीधे और 4 उल्टे की डलेगी। तो इसे सेम वैसे ही बनाना है, कुछ नहीं करना है, 4 सीधे और 4 उल्टे बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। 4 सीधे और 4 उल्टे की हमने 4 लाइनें डाल ली हैं, 1 2 3 4, ये 4 सिलाइयाँ हमने डाल ली हैं। अब आगे बनाएंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला स्टिच स्किप कर दीजिए, दो सीधे बना लीजिए, एक दो। अब यहाँ उल्टे वाले स्टिच में आ गए हैं। ये जो दो हमारे स्टिच हैं, इन्हें हमें राइट साइड को दो का एक करना है, इस तरफ को राइट साइड को होना है। इसने इस तरह से कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टिच घटा दिया है, इसे कंप्लीट करना है। इस तरह से सिलाई में उंगली में लेके धागा सिलाई में डाल दीजिए, एक और दो, दो बार डाल दिया। अब यहाँ पे फिर से दो हैं हमारे उल्टे, तो इसे स्लिप करके दोबारा से सिलाई में लीजिए, पलटी कर दीजिए स्टिच को और लेफ्ट साइड की तरफ बना दीजिए इस तरह से। अगेन 4 सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार। एक बार फिर से देख लीजिए, ये दो उल्टे आ गए, इन्हें उल्टा नहीं बनाना है, इसे राइट साइड को सीधा बनाना है इस तरह से। उंगली में धागा लेंगे इस तरह गोल करके, इसे एक दो, दो बार डाल लेना है। उसके बाद अब इस स्टिच को स्लिप करके वापस सिलाई में लेंगे और इसे लेफ्ट साइड को बनाएंगे इस तरह से, इधर को बनेगा ये धागा। फिर 4 सीधे, एक दो तीन चार, ये हमारे उल्टे स्टिच आ गए। इसे पहले राइट साइड को बनाएंगे इस तरह से, दो का एक करेंगे, फिर उंगली में धागा लेके इस तरह से एक दो, दो बार घोल घुमा दिए हमने। ये हमने दो का एक करा था और उसके बाद ये दो डाल लिए स्टिच। स्लिप करेंगे स्टिच को, वापस सिलाई में लेंगे और इससे दो जो उल्टे हमारे हैं इन दोनों को एक साथ बना देंगे इस तरह से। सीधा बनाएंगे 4 बार, एक दो
तीन, चार। एक बार फिर से देख लीजिए, ये चार उल्टे हैं। पहले राइट साइड को बनाएंगे दो का एक, इस तरह से एक साथ बना देंगे। फिर उंगली में धागा लेके एक दो, दो बार डाल लिया इसे। उसके बाद स्लिप करेंगे स्टिच को, वापस सिलाई में लेंगे मेन सिलाई में, और इसे लेफ्ट साइड को, लेफ्ट फेस को इस तरह से बनाएंगे। दो सीधे आ गए लास्ट वाले, और एक ये मेरा जो सिलाई में जाएगा वो स्टिच है, इसे मैं ऐसे ही बनाऊंगी। रॉन्ग साइड में आ गए हैं। रॉन्ग साइड में इस बार हमने सारी सिलाई उल्टी बनानी है, इसमें आपने सीधा उल्टा नहीं करना है। सारी सिलाई जितनी भी होगी, जितने भी आपके स्टिचेस हैं, इसे सारी सिलाई को उल्टा उल्टा बना दीजिए। जो हमने स्टिच उठा बनाए थे उंगली में रोल करके डाले हैं वो भी, और बाकी के सारे स्टिचेस भी उल्टे ही बनेंगे। रॉन्ग साइड सारी हमने उल्टी सिलाई डाल ली है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच उतार लेंगे, बनाना नहीं है। फिर एक सीधा बनाएंगे। एक सीधा बनाने के बाद इन दोनों को दो का एक करेंगे राइट साइड को इस तरह से। दो का एक कर दिया, अब यहाँ पे एक स्टिच घट गया है, तो इसे पूरा करेंगे तो उंगली में गोल घुमा के धागे को इस तरह से इसमें स्टिच ऐड कर देंगे। दो सीधे बनाएंगे, एक दो। अब हमें लेफ्ट साइड को घटाना है स्टिच को, तो पहले इसे ऐड कर लेंगे एक। इस तरह सुई सिलाई में डाल दीजिए रोल करके, एक ऐड हो गया। और अब हमें इसे घटाना है, तो स्टिच को सीधा करके वापस सिलाई में लेके लेफ्ट साइड को इसको दो का एक कर देंगे। दो सीधे बनाएंगे, एक दो। दो सीधे बना लिए, अब राइट साइड को दो का एक करना है, तो इस तरह से दो का एक करिए और इस तरह से एक स्टिच ऐड कर दीजिए यहाँ पे। दो सीधे बनाइए, एक दो। फिर से ऐड करेंगे एक स्टिच और यहाँ पे लेफ्ट साइड को दो का एक करेंगे। स्लिप करके वापस सिलाई में डाल के स्टिच को इस तरह से बना दीजिए। इस ये देखिए, दो सीधे बनाएंगे, एक दो। राइट साइड को दो का एक करना है, एक स्टिच ऐड करना है। फिर उसके बाद दो बनाने हैं, एक दो। फिर से एक स्टिच ऐड करेंगे इस तरह से, और स्लिप करके स्टिच को मेन सिलाई में वापस लेंगे और इसे लेफ्ट साइड को इस तरह से दो का एक कर देंगे। अगेन दो बनाने हैं, दो सीधे बना लिए। फिर से राइट फेस करके इस तरफ को दो का एक कर दिया, एक स्टिच ऐड करेंगे, दो सीधे बनाएंगे, फिर से एक स्टिच ऐड करेंगे, स्लिप करेंगे ये वाला स्टिच, वापस सिलाई में लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों को दो का एक करना है, तो इसे इस तरह से दो का एक कर देंगे। एक सीधा बनाएंगे और एक ये मेरा सिलाई वाला स्टिच है, इसे बना लेंगे। अगेन रॉन्ग साइड सारी सिलाई उल्टी डालनी है, सीधा उल्टा कुछ नहीं करना है, पूरी की पूरी सिलाई सिंपल उल्टी बना देनी है। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच उतार लेंगे, बनाना नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये राइट साइड को आ रही है सिलाई, तो यहाँ पे पहले ही हमें दो का एक करना है इस तरह से। एक स्टिच ऐड कर लेंगे, उसके बाद चार सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार। चार सीधे बना लिए, एक स्टिच ऐड करेंगे। ये वाले स्टिच को स्लिप करेंगे, पहले वापस मेन सिलाई में ले लेंगे इस तरह से, और इसे दो का एक कर देंगे। अगेन यहाँ पे फिर से राइट साइड की ये देखिए लाइन आ गई है, तो इसे सीधा ही दो का एक करेंगे ऐसे। ये देखिए, एक स्टिच ऐड करेंगे, चार सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार। चार सीधे बना लिए, फिर एक ऐड करेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड को फेस करके स्लिप स्लिप और निट इस तरह से कर देंगे। और अब यहाँ पे ये राइट साइड का हमारा इसी के साथ ही आ गया है, तो इसे भी दो का एक कर देंगे। एक स्टिच ऐड करेंगे, चार सीधे, एक दो तीन चार। फिर से एक ऐड करेंगे, स्लिप वापस मेन सिलाई में और दो का एक। राइट साइड को भी दो का एक करेंगे, एक स्टिच ऐड करेंगे, चार सीधे, एक दो तीन चार। एक स्टिच ऐड करेंगे,
और अब यहाँ पे लेफ्ट साइड को 2 का 1 करेंगे इस तरह से। और ये मेरा लास्ट है सिलाई वाला, इसे ऐसे ही बना लूँगी। अगेन रॉन्ग साइड में सारी सिलाई उल्टी बनेगी। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्किप करेंगे, बनाना नहीं है, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 उल्टे बनाएंगे। 1 2 2 उल्टे बना लिए, 4 सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 4 सीधे बना लिए, 4 उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 4 सीधे और 4 उल्टे बनाते हुए ये सारी रो हम कंप्लीट करेंगे। सीधा सीधा आपने इसमें कुछ भी बढ़ाना या घटाना नहीं है, आपने सिर्फ 4 सीधे और 4 उल्टे बना के इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। रो के एंड में आ गई हूँ, 2 उल्टे बना लिए हैं और 1 ये मेरा लास्ट वाला स्टिच है, इसे मैं सीधा बना के उतार लूँगी। ये हमारी सीधी तरफ से पूरा हो गया, 4 सीधे 4 उल्टे करके। रॉन्ग साइड आ गए हैं, रॉन्ग साइड में हमें जो जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाना है। तो 2 सीधे 4 उल्टे इस तरह से करते हुए इसे रो को कंप्लीट करूँगी। जहाँ पे मेरा उल्टा है वहाँ पे उल्टा बनाऊँगी, जहाँ पे मेरे सीधे स्टिच हैं वहाँ पे सीधा बनाऊँगी। इसे रिपीट करके इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। जैसे हमने यहाँ नीचे ये देखिए यहाँ पे 4 सिलाइयाँ डाली थी, 4 उल्टे और 4 सीधे की, वैसे ही हमें यहाँ पे भी 4 सिलाइयाँ डालनी है, 4 उल्टे और 4 सीधे की। 2 हमने डालनी है, 2 और डाल लीजिए, 4 सीधे 4 उल्टे 4 सीधे 4 उल्टे करके दोनों तरफ से, सीधी और उल्टी तरफ से इसे 4 बार डाल लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने 4 बार सिलाइयाँ डाली थी। ये देखिए 4 सीधे और 4 उल्टे करके मैंने ये 4 सिलाइयाँ डाल ली हैं। इनमें कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं है, जैसे हमने पहले डाली थी 4 सिलाइयाँ, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 सिलाइयाँ डाली थी, वैसे ही 4 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे भी डाल ली हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 सिलाइयाँ डालने के बाद पहला स्टिच स्किप कर देंगे, यहाँ पे 1 स्टिच बढ़ाएंगे, पहले में ही बढ़ा देना है। यहाँ पे 1 बढ़ा दिया हमने, ये 2 उल्टे हैं मेरे लेफ्ट साइड को बनेंगे, तो इन्हें मैं 2 एक साथ बनाऊंगी, 2 का 1 करूंगी इस तरह से। ये देखिए पहले 1 स्टिच बढ़ा लिया, ये स्किप करा था, उसके बाद 1 बढ़ाया मैंने, जैसे मैं उंगली में डाल के आपको बताया मैंने गोल घुमा के धागा बढ़ा दीजिए, उसके बाद 2 का 1 कर दिया। 4 सीधे करेंगे, 1 2 3 4 4 सीधे हो गए। अब ये राइट साइड को जाना है इसने, तो 4 उल्टे जो हैं मेरे उनमें से 2 उल्टों में मैं 2 का 1 कर दिया, 1 2 2 स्टिच बढ़ा लिए। अब इसे लेफ्ट साइड को करूँगी, स्लिप करके 2 उल्टे स्टिच इसको सीधा बना दिया। अगेन 4 सीधे, अब यहाँ उल्टे वाले में आ गई हूँ, फिर से वही करेंगे, राइट साइड को 1 2 का 1, फिर 2 स्टिच बढ़ाएंगे, 1 2, अब लेफ्ट साइड को 2 का 1 इस तरह से। ये हो गया 4 सीधे, 1 2 3 4 4 सीधे हो गए। अब फिर से राइट साइड को पहले 2 का 1, फिर 2 स्टिच बढ़ाएंगे, फिर लेफ्ट साइड को 2 का 1, अगेन 4 सीधे, 1 2 3 4 4 सीधे हो गए। अब यहाँ पे ये मेरा जो है उल्टे वाले स्टिच हैं 2, इन्हें मैं राइट साइड को पहले 2 का 1 करूँगी और फिर उसके बाद 1 स्टिच बढ़ाऊँगी और ये लास्ट वाला स्टिच जो है मेरा इसे ऐसे ही बना दूँगी। ये मेरी रो कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड अब हमें सीधा उल्टा नहीं कुछ भी करना है, सारी सिलाई उल्टी डालनी है। जितनी भी स्टिचेस होंगे आपके इन्हें सारा उल्टा उल्टा बना लीजिए, कुछ नहीं करना है। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच उतार लेंगे, फिर 1 सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें स्टिच बढ़ाना है, 1 बढ़ा लीजिए, ये मेरा लेफ्ट साइड को टर्न होना है, तो इसे स्लिप करके दोबारा से बनाऊंगी इस तरह से, 2 का 1 कर दिया। 2 सीधे बनाऊंगी, 1 2, अब राइट साइड को ट्विस्ट होना है, 2 का 1 करिए, इधर को 1 स्टिच बढ़ा दिया, 2 सीधे बनाएंगे, 1 2, 2 सीधे बना लिए, 1 स्टिच फिर से बढ़ाएंगे। अब लेफ्ट साइड को मोड़ना है इसे,
तो पहले स्टिच को स्किप करके दोबारा से सिलाई में लेके इस तरह से बना लीजिए। दो सीधे बनाएंगे, एक दो, राइट साइड को मोड़ेंगे, दो का एक एक बढ़ाएंगे, एक दो, लेफ्ट साइड को होना है, पहले एक बढ़ा लीजिए। अब लेफ्ट साइड के लिए स्लिप करके एक स्टिच को दो एक साथ बना दीजिए, दो का एक कर दीजिए, दो सीधे, राइट साइड को दो का एक, दो स्टिच एक साथ बना दीजिए, एक ऐड कर दीजिए, दो सीधे, एक दो, फिर से एक ऐड करिए और लेफ़्ट साइड को स्लिप करके वापस सिलाई में लेके इन दो स्टिचेस को एक साथ बना दीजिए। दो सीधे बनाएंगे, राइट साइड को दो का एक करेंगे, एक स्टिच बढ़ाएंगे, एक सीधा बनाएंगे और ये लास्ट वाला स्टिच है, इसे ऐसे ही उतार लेंगे। ये रो कंप्लीट होगी। रॉन्ग साइड अगेन सीधा ही बना दीजिए, जितना भी होगा स्टिचेस सॉरी उल्टे बनेंगे। रॉन्ग साइड हमने बना ली है, सारे स्टिच उल्टे बनाए हैं, राइट साइड आ गए हैं। पहले स्लिप कर दीजिए एक स्टिच, उसके बाद एक दो, दो बना लिए, धागा गोल घुमा के एक स्टिच ऐड करेंगे और इसे स्लिप करके दोबारा सिलाई में लेके दो का एक कर देंगे। अब हम इधर राइट वाली साइड में आ गए, दो का एक होना है यहाँ पे, इसे सीधा ही दोनों स्टिचेस को एक साथ बना देंगे, एक स्टिच ऐड करेंगे, चार सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार, एक स्टिच ऐड करेंगे, स्लिप करके वापस सिलाई में लेके दोनों स्टिचेस को एक साथ बना देंगे ऐसे। और अब इस तरफ से भी दो का एक करेंगे, राइट साइड को एक स्टिच ऐड करेंगे, चार सीधे, एक दो तीन चार, चार सीधे हो गए, एक स्टिच ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड को दो का एक करना है, स्लिप करके वापस सिलाई में लेके दो स्टिचेस एक साथ, फिर उसके बाद राइट साइड को दो स्टिचेस एक साथ, एक स्टिच ऐड करेंगे, चार सीधे, एक दो तीन चार, फिर से स्टिच ऐड करेंगे, स्लिप करके वापस सिलाई में ले लीजिए और दो स्टिचेस को एक साथ बना दीजिए लेफ्ट साइड को, और फिर दो स्टिचेस को बना दीजिए राइट साइड को, फिर से स्टिच ऐड करेंगे, दो सीधे बनाएंगे, एक दो, और ये साइड का स्टिच। ये रो कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड अगेन वैसे ही बना लीजिए, सारी उल्टी बनेगी। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है, ये 20 रोज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ से आपको फिर से फर्स्ट रो रिपीट करनी है, जो हमारी फर्स्ट रो हमने बनाई थी, एक स्किप करके दो सीधे चार उल्टे, दो सीधे चार उल्टे। जो आपके चार उल्टे स्टिचेस होंगे वो हमेशा ये जो हमने टेढ़ी लाइन डाली है लेफ्ट और राइट साइड की, इन्हें दो ये वाले स्टिच और दो इनकी साइड वाले, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपके चार उल्टे आएंगे हर बार, जैसे पहले यहाँ चार उल्टे आए थे तो ये इस तरफ को गई लाइन, फिर उसके बाद यहाँ पे पहले देखिए यहाँ चार उल्टे थे, उसके बाद ये जो टेढ़ी लाइन है इसके ऊपर चार उल्टे आ गए थे। जब हम इस तरह करेंगे तो ये अपने आप, ये देखिए ये डिज़ाइन बनता चला जाता है, बहुत प्यारा लगता है। आप इसे बॉर्डर में बनाइए, लेडीज़ कार्डिगन में बनाइए बॉर्डर में, बहुत प्यारी लुक देता है ये बन के। जेंट्स स्वेटर में बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में बना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो इसे ट्राई कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैसेज कीजिए मुझे, अगर नहीं कुछ समझ में आया है तो मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी। अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और फॉलो करें, जिससे मुझे और हिम्मत मिले कि मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके लिए और अच्छी तरह से बना सकूँ। डिज़ाइन प्यारा लगा हो तो लाइक फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।